अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सर जी, जब तुम मेरी जिंदगी में ही नहीं रहना चाहती हो तो मेरे ख्यालों में मेरा पीछा क्यों कर रहे हो दालचीनी? ये ख्याल नहीं है सर जी, मैं यही हूँ आपके पास। तो तुमने मुझसे दूर जाने का ख्याल बदल दिया। मैं जानता था दालचीनी तुम भी मुझसे दूर नहीं रह पाओगी ना। वो सर जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। नहीं नहीं, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ दालचीनी कि तुमने जो कुछ भी किया ना परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया, और मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ तुमसे। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुमने अपना फैसला बदल दिया और तुम यहाँ मेरे पास आ गई हो। नहीं सर जी, मुझे कुछ और कहना है आपसे। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? सुन रहा हूँ मैं। कला के बच्चे के रक्षा के लिए ना एक पूजा करनी है जिसमें बच्चे के माँ और बाप का होना बहुत जरूरी है, तो आपको उस पूजा में बैठना होगा और आप इस बात के लिए मना नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे जज्बातों की कोई कदर नहीं है क्या दालचीनी? तुम्हारे सीने में दिल है कि नहीं दालचीनी? आपको जो कहना है आप मुझे कह लीजिए। गुस्सा करना है ना आप गुस्सा कर लीजिए, पर मैं उस मासूम बच्चे को सजा नहीं दे सकती जिसने कोई गलती की नहीं है सर जी। ठीक, अगर तुम बोल रही हो ना तो मैं कला के साथ पूजा में बैठ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें एक बार तुम्हें अपने मुंह से ये कहना होगा कि तुम्हें भी भरोसा हो गया कि कला के पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। कहो अपने मुंह से। कैसे कह दूं? आप ही तो हैं जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है मुझे। मैं पागल हो जाऊंगा दालचीनी। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जस्ट गो अवे, गो। खराब हो क्या तुम्हारा? ठंड में ऐसे खड़ी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी, खुद का ख्याल नहीं रख सकती। ये लो जैकेट। नहीं, पहले आप वादा कीजिए कि आप पूजा में बैठेंगे तभी मैं ये जैकेट लूंगी। देखो दालचीनी, जिद मत करो, प्लीज जैकेट पहन लो। तुम्हें पहले वादा कीजिए। ठीक है कर लो जिद, लेकिन मैं तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं करने वाला हूँ, समझी? करती रहो जिद।
इतनी जिद्दी कब से हो गई हो दालचीनी? क्यों नहीं सुन रही मेरी बात? मुझे ठंड से बचाने के चक्कर में खुद को बीमार पड़ना है क्या? ये लीजिए, पहन लीजिए। क्या कर रही हो तुम? तुम्हें तुम्हें ठंड लग जाएगी। मैंने सर जी बैठोगे ना पूजा में? दालचीनी, तुमने मुझे खुद से दूर करने का फैसला तो कर ही लिया ना, भूल पाओगी तुम मुझे? कल किसने देखा है सर जी? क्या पता दूर जाने की जरूरत ही ना पड़े। अभी मैं सिर्फ ना जानती हूँ कि परिवार के लिए और उस मासूम बच्चे के लिए पूजा में होना बहुत जरूरी है। अच्छा सर जी, आपके दूर जाने के कगार से ही ना काम चाहती हूँ मैं, लेकिन आप मेरे को इतना कर सकते हो, मान जाइए ना। सच कहूं दालचीनी, तेरे नसीब पे मुझे रोना आता है, लेकिन तेरी सोच पे फख्र होता है। तूने जो इस घर के लिए किया है कोई नहीं करता। और बेटा, मैं जानती हूं कि इस वक्त तेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी। आज इस पूजा में तेज को राजी करना अपने आप में ये बताता है कि तू इस घर की बहू नहीं, बेटी है। मैं रब से यही मांगती हूं कि ऐसी बेटी हर माँ बाप को मिले। परीक्षा कितनी कठिन क्यों ना हो, हम अपना फर्ज तो नहीं भूल सकते ना। आप ना मेरा एक काम कर देना। बोल बेटी। इज्जत जी ना बहुत टूटे हुए हैं, उनके नसीब में एक ऐसी बीवी मिली जो उनकी नाराजगी का कारण बन गई। एक माँ बनकर उनके जख्मों पर मरहम लगा देना। माँ, मैं उन्हें ऐसे देख नहीं सकती। तो फिक्र मत कर, मैं वादा करती हूँ मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन आंटी जी, इसके मान जाने के बाद भी हम ये पूजा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बच्चों की पूजा में तो जितने ज्यादा लोगों का आशीर्वाद मिले उतना अच्छा है। पर क्या आपको लगता है कि घर के इन हालातों में बाहर वालों को घर में बुलाना ठीक रहेगा? तेज की कितनी बदनामी होगी। तेज सर जी की कोई बदनामी नहीं होगी। वैसे भी माँ, मेरी और तेज सर जी के लिए जो जगराता रखा था वो तो हुआ नहीं ना, तो उस जगराते के लिए तो लोग तो आएंगे ही। बस वहाँ होगा ये कि उस पूजा में तेज सर जी के साथ मैं नहीं, तू बैठेगी घूंघट ओढ़ कर। और उस शाम मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आऊंगी। दीदी, इस जन्म में तो मैंने सिर्फ और सिर्फ पाप किए, लेकिन पिछले जन्म में मैंने पक्का बहुत पुण्य किए होंगे जो मुझे तुझ जैसी बहन मिली। पूरी कोशिश करूंगी कि अपने बच्चे को ऐसी परवरिश दूं जैसी तू देती। अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।